तो चलिए जल्दी से हम बता देते हैं कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जाम में। और साथ ही साथ अगर यह मॉडल सेट का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये जो है यहाँ पे है वो टोटल समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा और कुल प्रश्नों की जो संख्या है वह 100 है ऑब्जेक्टिव का, और सब्जेक्टिव जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका जो संख्या है वह 30 है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वह टोटल 8 है, जिसमें से हमको 100 में से ऑब्जेक्टिव 50 बनाने हैं और 30 में से लघु उत्तरीय प्रश्न में से 15 बनाने हैं और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से 4 बनाने हैं। तो इस तरह से आप मैथ का क्वेश्चन का आंसर का जवाब देंगे। और साथ ही साथ पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार इस इंस्ट्रक्शन को एक बार सही से आप पढ़ लें और साथ ही साथ इसमें से तैयारी भी कर लें, क्योंकि इसमें से बहुत ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो बिहार बोर्ड रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो पीडीएफ है वो बिहार बोर्ड के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है और इसमें बहुत ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो वीवीआईवी हैं। तो इस तरह से आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है और 15 लघु उत्तरीय प्रश्न का और 4 जो है वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। इस तरह से आपको टोटल 69 क्वेश्चन का जवाब देना है मैथ का। तो दोस्तों इस तरह से आपको मैथ का क्वेश्चन का आंसर का जवाब देना है और साथ ही साथ पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के आना है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या डाउट हो एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर आप समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।